बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या कना बदो या कनस्ताइन। मैं सबसे पहले अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह आपने मेरे लिए दुआएं की, हमारे लिए दुआएं की कि हम अपने कश्मीरियों के लिए जो मुश्किल वक्त में हम उनका केस यूनाइटेड नेशंस में भरपूर तरीके से रखें। तो मैं कौम का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं खास तौर पे बुशरा बेगम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ी दुआएं की मेरे लिए और उनका मैं दिल से आज शुक्रिया अदा करता हूं। अब एक थोड़ी खामोशी ये दो बातें कर लूं। सबसे पहले कि याद रखें, ये जो अब हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। और ये एक जिहाद है, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, हम उनके साथ इसलिए खड़े हैं, हम अपने अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। 80 लाख लोगों को हिंदुस्तान की फौज ने कर्फ्यू में बंद करके रखा हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि ये जो जद्दोजहद होती है, इसमें ऊंच नीच होती है। जद्दोजहद ऊंच नीच का नाम है। अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है। आपने बुरे वक्त में मायूस नहीं होना। आपने मायूस इसलिए नहीं होना कि कश्मीर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। जब तक आप उनके साथ खड़े हैं, कश्मीर के लोग जद्दोजहद करते रहेंगे और इंशाल्लाह वो जीतेंगे, आजादी जीतेंगे। जब मैं फिर से आपको कहता हूं, जब आप जद्दोजहद करते हैं, ऊंच और नीच आती है, अच्छा और बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में आपने घबराना नहीं, क्योंकि आप घबराएंगे वहां हमारी औरतें, बच्चे, कश्मीर के नौजवान, बूढ़े सब आपकी तरफ देख रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको मैं ये वादा करता हूं, मैंने कहा था मैं उनका सफीर हूं, मैं आपको ये मोदी की ये फैशिस्ट गवर्नमेंट, ये मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत, हर फोरम के ऊपर इनको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आखिर में जो मेरे साथ जो भी मेरे साथ इतने 20 साल से ज्यादा सफर कर रहे हैं, मैंने एक चीज उन सबको समझाई है कि कोशिश इंसान की होती है,
कामयाबी अल्लाह।